हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सत्यादि शर्मा क्लासेस। डेली करंट का सेशन जो हमारा चल रहा है उसी पे आज से फिर से हमारी चर्चा होगी। और चर्चाएं तो ऐसी हैं कि डेली होती रहती हैं, कोई ना कोई चर्चा मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ। तो आपको भी चर्चा को क्या रखना है, ध्यान में देना है कि मैडम क्या चर्चा कर रही है, ठीक है, और क्या करना है, और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश भी करनी है। और अपना जो आंसर आपका जो भी रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि आपका स्कोर क्या हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके सामने लिखा है कि वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है, तो इतनी हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि वो दो लोगों को दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली आंसर बता देंगे कि वो दो लोग कौन से हैं, क्योंकि आपको आंसर दिख रहा है उपयुक्त तो दोनों और चौथा दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, तो यही दोनों तो होंगे मैडम। हाँ, वही है कि डेविड जूलियस और अदेम को दिया गया है क्या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो आपके सामने डेविड और अदेम लिखे हैं ये दोनों हैं कहाँ के, तो ये दोनों कहाँ के हैं, अमेरिका के। कहाँ के, अमेरिका के। दोनों वैज्ञानिकों ने कायमे इनको मिला है। अगर मैं बात करूँ कि जो नोबेल इनको दिया गया है वो कायमे दिया गया है फिजियोलॉजी, किस में दिया गया है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। तापमान पे रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए उनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सी संस्था देती है, तो मेडिसिन नोबेल पुरस्कार देती है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, स्वीडन में। कहाँ है, स्वीडन। अब नोबेल पुरस्कार दिया किन किन क्षेत्रों में जाता है या कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो छह क्षेत्रों में। कितने, छह। छह कौन कौन से, पहला चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। इन छह क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। और आगे हम देख लेते हैं कि भाई ये सबसे पहले किसको दिया या जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो सीधा सीधा अल्फ्रेड नोबेल। इनके नोबेल नाम से ही नोबेल का पुरस्कार का नाम पड़ा नोबेल, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, स्वीडन। 1901 में सबसे पहले किसे मिला था, जब 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो सबसे पहले मिला था हेनरी डुनांट को। किसको, हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसिसे, इन दो लोगों को नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले मिला था। और प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये थी नोबेल पुरस्कार से संबंधित जानकारी जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आपको भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है। टेबल टेनिस, पुरुष टेबल टेनिस टीम में एशियाई ने चैंपियनशिप ने कौन सा पदक जीता है, एशियाई, एशिया की जो टीम है उसने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, कांस, रजत या इनमें से कोई नहीं। देखो आप लोगों को मैं बायलिंगुअल क्वेश्चंस देती हूँ, तो ये नहीं कि आपको हिंदी आती है तो केवल आप हिंदी में पढ़ के फ्री हो जाए, नहीं, पहले आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ा करो, भले ही आंसर भी हिंदी में दो, मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है इसको भी पढ़ा करो। इससे क्या होगी, आपकी वोकैबुलरी भी सुधरेगी, आपको इंग्लिश बोलने में हैबिट आएगी और आपका जो डर है इंग्लिश को लेके वो भी भागेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है कांस्य पदक। जो हमारी पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे इससे रिलेटेड क्या बात कर सकते हैं कि भाई ये टेबल टेनिस किस टीम को हरा के जीता है, तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद
मतलब पहले दक्षिण कोरिया से हारा 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कहां जीता है? कतर के दोहा में। ठीक है, अब और भी जो रिलेटेड हमारे चैंपियनशिप हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपके सामने फर्स्ट लिखा है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, तो कौन किसने जीती है? पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीती? तो जीती है सैली सिंह। कौन? सैली सिंह। इनको याद रखना है, स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं रहता है ज़्यादातर लोगों का, मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो गर्ल्स का तो नहीं रहता है, इसीलिए उनको क्या कि ये फैक्ट बहुत बड़े बड़े चौड़े चौड़े लंबे लंबे और बुरे बुरे लगते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इनसे डरना घबराना नहीं है, डट के सामना करना है और उनको याद करना है। ठीक है, फिर है महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो हो यफान ने जीता है। गोल्फ टूर्नामेंट PGA चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? फिल मिकेलसन। किसने? फिल मिकेलसन। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? देखो क्या होता है कभी कभी कि जो आपको ये मैं डिटेल लिख के देती हूँ तो इसको फालतू में ना लें, क्योंकि ये आपके जो करंट का ही डिटेल मैंने मोस्टली लेती हूँ आप क्वेश्चंस में, क्यों? क्योंकि पुराना जो है वो आपको मोस्टली आता है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरह का ले रही हूँ, मतलब नया जो अपडेट रहता है उसको भी और पुराना भी, तो वेस्ट कुछ भी नहीं करना है और पढ़ाई पर ध्यान देते हुए करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ध्यान रखना ये पहला है ना, इसलिए क्योंकि पहला बहुत जरूरी होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है आपका अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद गुजरात में। ये जो पहला खेल मध्यस्थता केंद्र है ये आखिर क्या है कि पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, तो यूरो ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको बताया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, याद आया कि नहीं? ये क्वेश्चन मैंने आपको यही वीडियोस में जो डेली का हमारा सेशन चल रहा है उसमें आपको मैंने ये कंप्लीट करवाया है, तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो क्वेश्चंस का, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक बार देखने या पढ़ने से याद नहीं होता है, बार बार चीजों को पढ़ोगे देखोगे तो जल्दी याद होगा। भारत का पहला डंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे, तो कौन सा हाईवे बना है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। कौन सा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर, अब ये देख लो भाई, आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं आता है प्यासे के पास, ऐसा सुना होगा कि नहीं? तो अब भाई ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, अब क्या होगा कि भाई अगर आपको देखना है क्या तो थिएटर आपके पास आ जाएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशंस के टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कंडीशंस भी बदल रही है। तो ये कहाँ है? लेह लद्दाख में। कहाँ बना हुआ है? लेह लद्दाख। भारत के पहले स्मोक टावर, स्मोक टावर कहाँ है? नई दिल्ली। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटेड जो अभी हाल ही में पहले हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड। देखो ये लाइवलीहुड अवार्ड जो है ये पूछ रहे हैं कि किस भारतीय संगठन को इससे सम्मानित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड, इसको उसमें इसको नोबेल पुरस्कार की तरह मान्यता दी जाती है। किसको? राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। अब ये पूछ रहे किस संगठन को दिया गया है, तो ये दिया गया है हमारी लाइफ। किसको? लाइफ। सर आवाज बहुत तेज आ रही है। चलिए, तो ये किसको दिया गया है? लाइफ संगठन को ये अवार्ड दिया गया है। अब ये लाइफ क्या है, तो लाइफ की अगर मैं बात करूं सबसे पहले
फुल फॉर्म क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से आपको समझ में आ रहा हो कि रिलेटेड किससे है, फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन, ये कहां स्थित है? दिल्ली। 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी नोबेल पुरस्कार आपने पढ़े, तो नोबेल पुरस्कार की तरह राइट लाइवलीहुड अवार्ड को भी मान्यता दी जाती है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पुरस्कार 1980 में जर्मन स्वीडिश के परोपकारी थे। कौन? जैकब बॉन उस्कुल। कौन थे परोपकारी? जैकब बॉन उस्कुल द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवार्ड को किसने स्थापित किया था? तो बॉन उस्कुल ने, जो उन लोगों का सम्मान और समर्थन करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। सीधा सीधा कि जो परोपकार, जैसा कि आपने क्या पढ़ा, परोपकारी है ना, इन्होंने ही तो स्थापना की है, तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचते हैं या अपना योगदान देते हैं, या मानवाधिकार, सतत विकास, तो ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जो अभी हाल ही में लाइफ संगठन को दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लाइफ को यह पुरस्कार देने के लिए क्यों चुना गया? अब बात आई कि भाई लाइफ को ही क्यों दिया गया, तो लाइफ कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार की वजह से लाइफ को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने आया है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? अभी हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह चल रहा है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 4 से 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। अब इसके डिटेल की अगर मैं बात करूं तो डिटेल में क्या है कि भाई ये जो सप्ताह है वो किस लिए मनाया जाता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? अंतरिक्ष में महिलाएं। क्या है? अंतरिक्ष में महिलाएं। आपको क्या याद रखना है कि भाई मनाया कब जाता है और इस बार की क्या थीम है। ठीक, चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दूर संचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? दूर संचार विभाग के अभी हाल ही में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो इनमें से कौन है दूर संचार विभाग के नए सचिव। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? के राजा रमन अभी हाल ही में क्या हुए हैं? दूर संचार विभाग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब आप कैसे याद रखोगे इसको? ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जो राजा राम जी थे ना, राजा राम जी कहाँ गए भाई? बहुत दूर चले गए। कैसे चले गए? दूर। तो थोड़ा बहुत रिलेट करो और याद करने की कोशिश करो कि जो राजा राम जी थे वो कहाँ चले गए? बहुत दूर। तो दूर संचार विभाग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा रमन, उससे याद आ जाएगा, आप लोगों को देख लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हो चुका है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, कहीं नहीं थोड़ा बहुत चलता है इधर उधर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता। इन्होंने कहा कि भाई विश्व महिला चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक जीता, लेकिन विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत किस देश से 0-2 से हार गया। ये पूछ रहा है कि भाई वो विश्व जो चैंपियनशिप हुई है उसमें वो 0-2 किस कंट्री से हारा है। आपके ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, चीन, रूस, जापान, फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रूस। रूस से वो 0-2 से हार गया। कौन? भारत। ठीक है, ये जो महिला शतरंज चैंपियनशिप है ये, इसमें भारत ने क्या जीता? रजत पदक जीता है।
और अगर मैं बात करूं कि ये भारत का कैसा पहला पदक था, कैसा था पहला पदक, फिर से पहला आ गया है तो याद रखना है, ठीक। भारत मजबूत जॉर्जियाई टीम पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचा और भारत के लिए एक पदक की पुष्टि की, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक पदक से पुष्टि करनी पड़ी हमें और क्या, ठीक। विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में भारत रूस से 0-2 से हार गया, कितने से हार गया, 0-2 से रूस से हार गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की है, मतलब गाय का जो गोबर होता है, आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा कि नहीं, तो जो गाय के गोबर से ही बनती है, तो इन्होंने ही अभी किसी एक राज्य ने ये योजना, अभिनव परियोजना शुरू की है, जो गाय के गोबर से क्या होगी, बिजली उत्पन्न करेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ अभी हाल ही में इसने ये योजना शुरू की है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफेद प्याज को, सफेद प्याज खाया है आप लोगों ने कि नहीं खाया है, सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है तो अब तो खाना पड़ेगा ना, अब जीआई टैग इतने हल्के में तो मिल नहीं जाता कि भाई उसके सब कुछ देखा जाता है, रूप आकृति गुण, है ना, तब देखे तब जाके कहीं उनको मिलता है क्या, जीआई टैग। तो ये जीआई टैग ये पूछ रहे हैं कि जो सफेद प्याज को मिला है वो कहाँ की है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सफेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किसने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, मतलब जो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे स्तर पर खाद्य उद्यमी हैं उनका समर्थन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब जो छोटे छोटे लोग हैं उनको समर्थन करने के लिए किसने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा पूछा है, फसाई, CSIR, ICAR या फिर AWSOCHAM, इन चार ऑप्शन में से आपका एक सही है। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है भाई, खाद्य सूचकांक, खाद्य दिख रहा है कि नहीं, तो अब बता दो कि भाई खाद्य से रिलेटेड कौन है, वही होगा हमारा आंसर, है ना, हाँ, तो जिसने भी अपना दिमाग लगाया है मतलब वो बहुत सही लगाया है, तो हमारा इसका जो आंसर है वो क्या है, फसाई, फसाई ने अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ जो हमारे लघु उद्योग हैं, जो सूक्ष्म स्तर के खाद्य उत्पन्न करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, किसने, फसाई के साथ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले कि ये भाई जो दिया गया है, जो इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं ये क्या है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सूक्ष्म स्तर के खाद्य उद्यमियों को समर्थन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया ये वही लिखा है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों का समर्थन करना भी है, इसने जो हस्ताक्षर किए हैं ये इसीलिए किए हैं कि भाई स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारी, जो भी उत्पादक सहकारी उनकी उनको समर्थन करना, ठीक है। अब बात करें भाई फसाई, तो फसाई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना कब हुई, अगस्त 2011 में, निम्न के तहत स्थापित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन हो गए हैं आई थिंक, ये 11 क्वेश्चन और आपके सामने है। अक्टूबर 2021 में इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में मुझे लग रहा है कि बहुत ही बुरे लग रहे होंगे कि मैडम कहाँ हस्ताक्षर पढ़ा रही हो,
भाई जरूरी है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं ना वो पूछ लेते हैं आपसे, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट तो जो आपके और भी सब्जेक्ट आने हैं वो तो सब कर ही रहे हैं अपने अपने लेवल पे, बट इसको भी आपको बेस्ट लेवल पे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने अभी हाल ही में इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ सकें कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, और आप सबको क्या करना है कि अपना अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि किसका कितना क्या स्कोर हुआ है। और अब मैं क्या करूंगी कि अक्टूबर आपकी स्टार्ट हो गई है, जैसे ही एक वीक होगा तो मैं पूरा एक वीक का करंट अफेयर आपके सामने लेके आऊंगी, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं और आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।